हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मजेदार चटपटी और तीखी रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो हर बार बनाकर खाने का मन करेगा आपका। तो आज हम बनाएंगे दही वाली हरी मिर्च की सब्जी। दही वाली मिर्ची बनाना बहुत ही आसान है और ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप 10 से 15 दिन भी फ्रिज में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। ये अचार का एक बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है तो ये रेसिपी आपकी फेवरेट बन जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो यहाँ मैंने 150 से 200 ग्राम जो थोड़ी मोटी वाली हरी मिर्च आती है ना, वो ले लिया है। ये थोड़ी कम तीखी होती है खाने में। इसे अच्छे से धोकर और कपड़े से पोंछकर मैंने बीच से लंबाई में कट करके ले लिया है। गैस ऑन करके कढ़ाई को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। इसे आप सरसों के तेल में ही बनाएं, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तेल गर्म हो गया है तो आंच को बिल्कुल लो पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई या काला सरसों, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा और 2 चुटकी हींग का पाउडर। इसे हल्का सा चटकने देंगे। अब इसमें डालेंगे 150 से 200 ग्राम कटी हुई हरी मिर्च। लो फ्लेम पर ही इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर ज़रूर डालें इसमें, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर का पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर की जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी में, तो लाल मिर्च ज़रूर डालें। कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें सॉटे कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं उसका कच्चापन चला जाए। अब डालेंगे इसमें 1/2 कप दही। दही को अच्छे से फेंट कर ही लेना है। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, या इसे तब तक हमें भूनना है जब तक दही का सारा पानी सूख ना जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये सूख भी चुका है अच्छे से, तेल सेपरेट भी हो रहा है। तो लीजिए, बनकर तैयार है ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी दही हरी मिर्च की सब्जी। इसे आप खाएं रोटी, पराठे या चावल दाल के साथ। इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक यू, टेक केयर।